यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डाल दो, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड निकालनी है तो स्टैंडर्ड डाल दो, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड नहीं निकालनी तो स्टैंडर्ड मत डालो। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है युवराज, क्या कहते हो? टू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, क्योंकि तुम या तो कॉपर 2+ से कॉपर देख लो टू, या ZN से ZN2+ देख लो, कितने का ट्रांसफर, टू का। तो -2 फैराडे कितना, 96500 कूलम, और ई नॉट सेल कितना, 1.1। क्या इससे इजी न्यूमेरिकल कभी देखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल? ठीक है, भव्य समझ आ रहा है तुम्हें, अपूर्व समझ आ रहा है? यस यश, इज दिस क्लियर? फॉर्मूला कैसे यूज करना है, डायरेक्ट गिव्स। ठीक है, नेक्स्ट।